वक्त हो चुका है कुछ खुराफाती सीक्रेट एंड ट्रिक्स के साथ तबाही मचाने का. सो गेट योरसेल्फ रेडी बिकॉज़ टुडे इन दिस वीडियो आई एम अबाउट टू ब्लो योर माइंड विद दिस फाइव अमेजिंग सीक्रेट एंड ट्रिक्स जो कि आपको शायद नहीं पता. सीक्रेट अमेजिंग एंड ट्रिक्स. अगर आप अपने फोन में एड से परेशान होना चाहे वो सिस्टम एड हो या फिर अगर आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो उसमें एड आती है या फिर किसी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी बैनर या फिर पॉपअप एड आपको देखने को मिलती है तो इन सभी एड्स को ना आप बिना कोई एक्स्ट्रा ऐप इंस्टॉल किए या फिर कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल किए बिना ही अपने फोन से ही ब्लॉक कर सकते हो. इसके लिए सिंपली आपको सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद आपको वाईफाई एंड इंटरनेट में जाना है. यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेट डीएनएस का, इस पर क्लिक करके आपको प्राइवेट डीएनएस प्रोवाइडर होस्ट नेम पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है dns.edguard.com और इसको यहाँ से आपको सेव कर देना है. बस इतना करने से ना आपके फोन से सभी तरह की एड्स ब्लॉक हो जाएगी तो अब आपको एड्स रिलेटेड कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. एंड सरप्राइजिंगली इस प्राइवेट डीएनएस सर्वर को यूज करने से ना आप अपनी इंटरनेट स्पीड में भी थोड़ा बहुत बूस्ट नोटिस करोगे. मैंने भी ये चीज पर्सनली नोटिस करी है, स्पेशली अगर आप कोई ऐसा ऐप या फिर यू नो कोई ऐसी वेबसाइट एक्सेस करते हो जिसमें काफी सारे एड्स वगैरह लोड होते हैं तो क्योंकि वो एड्स अब ब्लॉक हो चुके हैं तो ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा वो तो बहुत ज्यादा सही होगा. ऊपर से जो इंटरनेट स्पीड है ना वो भी आपको इसमें थोड़ी सी इंप्रूव मिलेगी. Android 10 में ना आप लोगों को एक डार्क मोड का फीचर मिलता है जिसको इनेबल करने से ये आपके सिस्टम यूआई के साथ साथ जो सपोर्टेड एप्स होते हैं जिनमें डार्क मोड सपोर्ट करता है उसमें डार्क मोड जो है वो इनेबल हो जाता है. अब डार्क मोड के साथ होता ये है, देखो अगर आपके पास एमोलेड स्क्रीन है ना तो ऑब्वियसली बात है कि बैटरी कंजम्पशन थोड़ी सी कम हो जाती है. साथ ही में अगर आप मान लो रात को अपना फोन यूज कर रहे हो तो आपके आंखों पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता तो डार्क मोड काफी सही चीज है. बट अभी भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है ना जो कि डार्क मोड को सपोर्ट नहीं करते या फिर इसमें डार्क मोड का सपोर्ट अभी तक नहीं आया. फॉर एग्जाम्पल एमेजॉन का ये ऐप हो गया, ये जो ऐप है ये डार्क मोड सपोर्ट नहीं करता. तो अगर आप इस तरह के ऐप में चाहे कोई भी ऐप हो जिसमें फोर्सफुली अगर आप डार्क मोड इनेबल करना चाहते हो बिना कोई ऐप यूज किए तो उसके लिए सिंपली आपको सेटिंग्स में जाना है एंड सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अबाउट फोन में जाना है. यहाँ से जो बिल्ड नंबर होता है ना इस पर आपको टैप करते रहना है ताकि आपके फोन में डेवलपर ऑप्शंस जो है वो इनेबल हो जाए. तो डेवलपर ऑप्शंस को यहाँ से इनेबल करने के बाद आपको सिंपली अपने फोन की सेटिंग्स में जाके और यहाँ से आपको जाना है डेवलपर ऑप्शंस में. तो यहाँ से ना आपको एक सेटिंग को इनेबल करना है जिसका नाम है ओवरराइड फोर्स स्टार्ट. तो इसको यहाँ से इनेबल करना है और उसके बाद आपको अपने फोन को ना एक बार रीस्टार्ट कर देना है. रीस्टार्ट करना बहुत जरूरी है एंड रीस्टार्ट करने के बाद अगर आप अपने फोन में डार्क मोड को इनेबल करते हो तो उसके बाद आप चेक करोगे जो भी एप्लीकेशन पहले डार्क मोड नहीं सपोर्ट कर रहे थे जैसे कि ये अमेज़न का ऐप हो गया तो अब इसमें भी डार्क मोड जो है वो इनेबल हो चुका है. तो इस ट्रिक को यूज करके आप किसी भी ऐप में जिसमें डार्क मोड का सपोर्ट ऑलरेडी नहीं है उसमें आप इस तरह से फोर्सफुली डार्क मोड को इनेबल कर सकते हो. देखो गाइस जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है ना उसी रफ्तार से आपके पैसों की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए वरना आपके बैंक में बड़े बड़े पैसे वैसे के वैसे रह जाएंगे और महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि आपके पैसों की वैल्यू बढ़ जाएगी. तो इसमें देखो सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करके ना अपने पैसों की वैल्यू को इंक्रीज करना एक बहुत ही लॉजिकल यू नो काफी सिंपल सा अप्रोच रहेगा. और अगर आप लोगों को दुनियादारी की थोड़ी बहुत भी खबर है तो ऑब्वियसली बात है क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो आपको पता ही होगा. वैसे काफी सारे यूजर्स ना क्रिप्टो करेंसी में विड्रॉल एंड डिपॉजिट को लेकर इश्यूज फेस कर रहे थे बैंक की तरफ से. बट अभी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये क्लियरली स्टेट कर दिया है कि जो वर्चुअल करेंसीज है इसमें ट्रेड करना बिल्कुल भी इलीगल नहीं है एंड बैंक शुड अलाउ सर्विसेज टू क्रिप्टो एक्सचेंजेस फॉर स्मूथ फंक्शनिंग आफ्टर नेसेसरी चेक्स. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो लोग नेसेसरी स्टेप्स लेंगे क्रिप्टो करेंसी को इंडियन मार्केट में रेगुलेट करने के लिए बट ये इसे कंप्लीटली बैन नहीं करने वाले. अभी वो क्रिप्टो करेंसी में जो बिटकॉइन है ना ये पिछले कुछ सालों में 600% तक यू नो रेज हो चुका है तो आप समझ सकते हो कि ये किस ट्रेंड की तरफ जा रहा है जहाँ पे जो हमारा मेन स्ट्रीम फाइनेंस होगा ना वो काफी ज्यादा हद तक क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व हो सकता है. एंड आप जैसे बहुत सारे लोग ना मुझसे भी ये सवाल पूछते रहते हैं कि मैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कैसे करता हूँ. तो देखो जो मेरा पर्सनल फेवरेट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऐप है वो है कॉइन स्विच को पे और ये ऐप मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि सबसे पहली बात इसका जो यूजर इंटरफेस है ना वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है. मतलब जैसे आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हो जोमेटो या फिर स्विगी से बिल्कुल उतना ही इजिली आप इसमें मिनिमम 100 rupees डिपॉजिट करके 75 डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज यानी कि जो अल्ट कॉइन्स होते हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. कॉइन स्विच को पे ना इंडियाज बिगेस्ट एंड सिंपलेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऐप है. सिर्फ 11 महीने में ही ना इस ऐप के 6 million+ यूजर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं. इस ऐप का जो KYC प्रोसेस है ना वो बहुत ही स्मार्ट एंड फास्ट है. मतलब आप लोगों को बस साइन अप करना है उसके बाद कुछ ही मिनटों में आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा एंड आपको इसमें 50 rupees का साइन अप एंड रेफरल बोनस भी मिलेगा जिसके अंदर आप इंस्टेंटली डिपॉजिट कर सकते हो एंड जो विड्रॉल वाला प्रोसेस है ना वो भी काफी ज्यादा सिंपल है इंस्टेंट है. तो गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको कॉइन स्विच को मेरे ऐप की लिंक मिल जाएगी, वहां से इस ऐप को डाउनलोड कर लो एंड क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करो बिल्कुल बेफिक्र होकर.
इस नेक्स्ट वाले डेट को यूज करके ना आप अपने फोन से किसी भी एप्लीकेशन को जो कि आपके फोन में इंस्टॉल्ड है और अगर आप मान लो उसे किसी दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो आप बिना किसी फाइल ट्रांसफरिंग ऐप के बहुत ही इजीली कर सकते हो। इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ से आपको जाना है मैनेज एप्स एंड डिवाइस में। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है शेयर एप्स का, तो यहाँ से आप इजीली किसी भी एप्लीकेशन को अपने फोन से दूसरे फोन में सेंड कर सकते हो या फिर किसी भी दूसरे फोन से अपने फोन में किसी भी एप्लीकेशन को रिसीव भी कर सकते हो। वैसे गाइस एंड्रॉइड के अंदर ना एक नेटिव फाइल ट्रांसफरिंग प्रोटोकॉल है जिसका नाम है नियर बाई शेयर, तो ये भी बहुत ही कमाल का फीचर है जिससे आप बिना कोई एक्स्ट्रा ऐप यूज किए ना इजीली अपने फोन से कोई भी फाइल, चाहे वो इमेज हो या फिर कोई भी दूसरी तरह की फाइल हो, उसे आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। ये बिल्कुल बाकी जो एप्स होते हैं जो फाइल ट्रांसफर करते हैं उन्हीं की तरह काम करता है, बट ये नेटिव ऐप है जिसकी वजह से आपको कोई भी ऐप अपने फोन में इंस्टॉल रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो भी फाइल शेयर करनी है ना उसके शेयर ऑप्शन में जाके नियर बाई शेयर को सिलेक्ट कर लेना है एंड जिस भी डिवाइस को आप ये फाइल शेयर कर रहे हो उसमें भी आपको नियर बाई शेयर का ये जो ऑप्शन है इसको यहाँ से इनेबल कर लेना है। उसके बाद ये जो दोनों डिवाइसेज हैं ये आपस में बहुत ही इजीली कनेक्ट हो जाते हैं और आप यहाँ से अपनी फाइल्स को इजीली शेयर कर सकते हो। जो फाइल ट्रांसफरिंग स्पीड है ना वो भी इसमें आपको बहुत ही ज्यादा फास्ट देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई फाइल शेयर करना चाहो एंड आपको प्ले स्टोर से कोई फाइल ट्रांसफरिंग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत पड़े ना तो उससे पहले इस ट्रिक को जरूर यूज कर लेना। आप लोगों का वक्त भी बच जाएगा और बहुत ही जल्दी ना बहुत ही स्पीडली आपकी जो फाइल्स है वो ट्रांसफर भी हो जाएगी। तो मान लो कि आपके WhatsApp कॉन्टेक्ट में कोई ऐसा पर्सन है जिसने अपने WhatsApp का जो लास्ट सीन है उसे ऑफ कर रखा है या फिर उसने आपको मान लो कि ब्लॉक ही कर दिया, तो आप उसका जो ऑनलाइन स्टेटस है वो चेक नहीं कर पा रहे हो। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपना WhatsApp ओपन नहीं करना चाहते बट स्टिल आपको कंफर्म करना है कि कोई पर्सन ऑनलाइन है या नहीं, तो ऐसे में आपको अपने ब्राउजर में जाके सर्च करना है WAChat Online और इस पहली वेबसाइट को ओपन करने के बाद ना सिंपली यहाँ पे आपको जिस भी नंबर का ऑनलाइन स्टेटस चेक करना है वो नंबर यहाँ पे एंटर करना है एंड चेक ऑनलाइन स्टेटस पे क्लिक करते ही ये वेबसाइट आपको उस व्हाट्सएप नंबर की एग्जैक्ट ऑनलाइन स्टेटस बता देगा कि कब वो ऑनलाइन था एंड कब वो ऑफलाइन था। चाहे वो नंबर आपके कॉन्टेक्ट में सेव ना भी हो, इवन अगर उसने आपको व्हाट्सएप में ब्लॉक भी कर रखा है ना, फिर भी सिर्फ आप उसके नंबर से ही उसके व्हाट्सएप के ऑनलाइन स्टेटस को इजीली ट्रैक कर सकते हो। सो गाइस दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो रिमेंबर इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना यार, प्लीज, बहुत मोटिवेशन मिलती है मुझे इससे। और कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन सी ट्रिक आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ट्रिक है जो कि बहुत ज्यादा सीक्रेट है, आपको लग रहा है कि काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा एंड आप चाहते हो कि उस ट्रिक को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फीचर करूं, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको अपनी वीडियो में मेंशन भी करूंगा। एंड अगर आप भी एक प्रो एंड्रॉइड यूजर हो या फिर बनना चाहते हो जिन्हें इस तरह की सीक्रेट एप्स एंड ट्रिक्स पसंद आती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है ना उस पर क्लिक करके पास में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन बन के आएगा उसको ऑल पे सेट कर देना ताकि फ्यूचर में मैं जब भी इस तरह की अमेजिंग सीक्रेट एप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करो।